हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये नई बेल लाया हूँ, एक बेल जल गई इसमें से, पौधे में से, तो नई बेल आगे लगाई। यारी बेल पीले फूल वाली जल गई। अब ये बाजा फूल वाली बेल लाया हूँ मैं, इसमें फूल भी हैं, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा फूल, एक ये सूखा हुआ, बहुत सी कलमें भी हैं इसमें। ये लगाई है, इसमें मिट्टी सब सबकी बिल्कुल निकाल के गुटी वूटी कर रहा हूँ, इसकी भी सही करी है मिट्टी है फुल, माशाल्लाह खूबसूरत होते जा रही, बदसूरत होते जा रही है, खूबसूरत बोल रहा हूँ। लेकिन कल पत्ते नए निकलना शुरू हो गए इसके, वो अच्छी बात है। ये इसमें से निकाला है, ये अभी चल पड़ा है, तो इसको गमले में लगाऊंगा मैं, ठीक है। बाकी ये भी इसी की फैमिली का, ये भी है। अब इसकी भी मिट्टी सही करनी है, ये इसका ये रखा हुआ प्याला, इसको मैं नहीं छेड़ लगूँगी, इसमें मिट्टी जड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। दो तीन नए पौधे और लगाऊंगा आज ही आज में, उसकी भी जड़ उतारना है। जड़ों में गोबर मिक्स कर रहा हूँ मैं, गोबर की बोरी ये पड़ी हुई पीछे, इसमें से निकाल के एक मिनट रुके, मैं निकाल के फिर मैं मिलता हूँ आपसे। मैं समझता फुल गोबर है, लेकिन ये गोबर मिक्स मिट्टी है ये, तो इसको भी हम ऐसा करता हूँ, मैं निकालता हूँ बाहर, और इनकी भी मिट्टियाँ मैं मिट्टी निकाल के थोड़ी बहुत ये डालता हूँ मैं, समझ रहे हैं, मतलब ऊपर से डाल दूँगा, इनकी मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं है वैसे, इस वाली की थोड़ी कम करूँगा मिट्टी और ऊपर से डाल दूँगा, और सबकी मिट्टी निकालनी है। मैं एक एक गमला थोड़ी थोड़ी, मतलब के कम कम, जब एक गमला खोल रहा हूँ तो फौरन उसको फिक्स करता हूँ मैं, मिक्स करके इससे जरिए निकालूंगा। ये देखें, ये है नर्सरी की मिट्टी है, मैं समझा मैंने गोबर ये किसी से मंगाई है, मैंने उसको बोला था गोबर ला देना नर्सरी का, उसने मिट्टी समेत लिया, क्योंकि गोबर बना मेरे पास भी ना तैयार नहीं था, तैयार करने के लिए ना उसका बड़ा टाइम चाहिए था, नहीं अभी तैयार चाहिए, तो इस वजह से मैंने उसको बोला है, उसने ला के दिया है, किसी और से मंगाया मैंने। ये मिट्टी सड़ गई है, एक काली मिट्टी निकल ली, मेरे गुलाब की भी मिट्टी ऐसी हो गई थी तो सड़ गई थी, वो सड़ गया था गुलाब। और ये केचुए जो है ना, हेल्दी केचुए हैं, ये सब निकाले यारों में, क्योंकि ये ब्रीडिंग ज़्यादा करेंगे अभी तो, ये ना ब्रीडिंग होगी तो फिर ये बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, छोटे छोड़ रहा हूँ मैं वो अच्छे हों, और ये जिसमें केचुए नहीं होंगे पौधों में, इसमें ये अलग से डाल दिए हैं। उपजाऊ ज़मीन करने के लिए ये करना पड़ता है, आप जो भी बंदा है इसको रखने वाला होगा ना, हर दो महीने में एक दफ़ा वो गुटी ज़रूर करवाते हैं लोग, जैसे ये नर्सरी में लोग देख रहे होंगे अब जो भी हैं करने वाले। गोबर से ये भी दोहरा दी, इसमें ऐसे लगाया, ये भी साल लगा दिया, एक से दो रह सकते हैं इसमें, ये पौधा है फ्रेंडली पौधा होता है तो एक से दो जी लेते हैं, बाकी ये तो ऐसे ही लगाया हुआ मैंने, समझ में नहीं आया लगा कि कैसे है ये, कि मुझे भी नहीं पता चल रहा ना, जब लग गया तो मैंने अब लगे रहें तो इसको। ये हो गया, ये तैयार हो गया तीन, अब ये इसका मोतिया लेके बैठूं या डंडी लाना भूल गया मैं। ये आइए, माशाल्लाह जड़ देखें इसकी,
नहीं, जड़ इसकी इतनी अच्छी नहीं है, ग्रोथ नहीं है जड़ों की। तो ग्रोथ के लिए करना पड़ेगा कि साइटों की मिट्टी उतार के फिर से बना के लगाना पड़ेगी, क्योंकि जड़ों की ग्रोथ से पौधे की हेल्थ का पता चलता है। अभी इसको ऐसे रखा, थोड़ी वहाँ पर रख दिया, देखें मैंने जड़ मिट्टी इसमें मिक्स करें ये। और इस ऐसे पौधे के लिए केचुआ चाहिए होता है, अच्छा अच्छी नस्ली, वो जो उसमें है ना वो इन पौधों में डलेंगे, ग्रोथ नहीं है इन पौधों की, उसमें केचुआ अच्छा चाहिए होता है, अच्छी नस्ली केचुआ होगा तो ग्रोथ होगी उसकी। ये पौधा इसमें छोटे में इस वजह से लगा हुआ है, छोटा गमला इस वजह से लिया हुआ है क्योंकि बड़े में लगा हुआ है अनार। अब अनार को छेड़ना ना थोड़ा मुश्किल है, अनार छेड़ दिया ना तो फिर वो छिड़ जाएगा। अनार की जो मिट्टी बन गई है ना वो अनार में ही रहे, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि अनार बड़ा मेरा दिल से लगा हुआ पौधा है वो अनार वाला, तो इस वजह से वरना मैं इसको बड़े में लगता। जो है वो इस डंडी के ऊपर है सारा, ये डंडी बढ़ाएगी पौधे को, क्योंकि दूसरी डंडी भी टूट गई थी तो वो अभी ख़त्म हो गया समझे, एक डंडी पे है वो अल्लाह करे वो बढ़ाए डंडी। बाकी एक कैक्टस खो गया था, इस नस्ल का कैक्टस मेरे पास खो गया था, ये एक डंडी और ले आया मैं, ये न्यू कैक्टस लेकर आया हूँ, पेंसिल कैक्टस कहलाते हैं, इसकी दो डंडियाँ लेकर आया हूँ, ये लगाना है गिलास में, ये ऐसे ही खा के लिया मैं। उस नस्ल का कैक्टस बहुत बड़ा हो गया था मेरे पास पहले वाला, लेकिन वो खो गया, पत्नी कहाँ चला गया, कबूतर ले गया। ये कमला पूरा सफा है, इसका देखना है, क्योंकि इसके ना ऐसा नहीं होगा कि फुल भारी भी थी डंडी, तो पत्ते बहुत कम रहे हैं, तो ये देखनी है कि हुआ क्या, हो क्या रहा है इसके साथ। ग्रोथ इसकी हो रही है या नहीं ये भी देखनी है। जड़ देखें काली पड़ ली है, फंगस लग गया था इसकी जड़ों में, अब जड़ की मिट्टी बिल्कुल सफाई करने रहे हैं। एक सफाई हो गई मिट्टी की, अब जो लगेगा ना मिट्टी में तो उससे क्या पता चल पड़ेगा। पानी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि ठंडा मौसम आ गया, अब रोज़ नहीं देना होगा पानी, एक दिन बीच करके देना होगा पानी, उससे जिएगा पौधा। तकरीबन इसकी अच्छी खासी जड़ नीचे जगह बना देनी, ये गोबर डाला, आज पानी नहीं दूंगा इनको, कल से पानी देना शाड़ों में, फिर कल एक दिन बीच करके समझ लो आप। इसका भी देखते हैं कहानी, इस बेल की भी सफाई सुथरा ही कर लेंगे, इस बेल की मिट्टी काली हो गई है, इसकी ग्रोथ वजह से नहीं हो रही, मिट्टी काली है इसकी। और जड़ भी काट दी मिट्टी ने, जल्दी से इसकी जड़ बनानी पड़ेगी, मतलब मिट्टी बनाना पड़ेगी क्योंकि जड़ उसमें है नहीं, और जहाँ जड़ एक है वो बहुत छोटी है, उसको सूख गई ना वो तो फिर ना मसला हो जाएगा। टिक जाए ये टांगों में टिकाया बस मैंने, फिर वैसे ना थोड़ा मसला हो रहा है मुझे।
क्योंकि जैसे पता है ट्राईपॉड है नहीं अभी मेरे पास, आने वाले वक्तों में आ जाएगी सब चीज़ें, पता है मुझे। लेकिन जो ब्लॉगिंग नहीं रुकना चाहिए, वैसे भी इतने टाइम बाद शुरू हुई है। बड़े पौधे में बड़े बड़े गोबर के इसलिए डालता हूँ इन पौधों में, क्योंकि उन पौधों की ना ग्रोथ थोड़ी रुक गई थी, तो गोबर के साथ साथ पौधे भी अच्छे हो जाएंगे, फिर गोबर डलेगा अच्छा। बिस्मिल्लाह। फुल भी नहीं भर देना मिट्टी से, थोड़ी बहुत खाली रखते हैं 1 इंच हर गमले की। इसने तो बड़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी, एक पौधे ने कितनी ज़्यादा कर ली ग्रोथ में। ये दो और निकले ना है, इसको फेंक दूंगा मैं निकाल के। ये देखें, एक दो तीन चार, बड़ा ही माशाल्लाह भर रहा है। तो इसके ग्रोथ ऐसी ग्रोथ के लिए इसकी तो मिट्टी तो फिर सफाई मांगती है। आपको एलोवेरा अच्छी ग्रोथ दे रहा है तो फिर उसकी खाद और उसका ख्याल भी रखना अच्छी तरीके से फर्ज बनता है हमारा। वो ग्रोथ बहुत कम देता है एलोवेरा, क्योंकि जब उसका जैसा ख्याल रखा जा रहा होगा ना वैसा उसको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा दिखाएगा एलोवेरा हमारा। ये ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है एलोवेरा का एक ग्रोथ के लिए, उसकी को खिलाई पिलाई भी अच्छी मिलनी चाहिए, तो वो माशाल्लाह से इस तरीके से चल पड़ेगा जैसे कि रुकेगा नहीं चलने में। और अभी तक की जो सबसे बेस्ट ग्रोथ मिली है मुझे एलोवेरा की मिली है अपने पौधों में, बाकी सबकी मिल ली है लेकिन इतनी ख़ास नहीं मिल रही एलोवेरा के मुताबिक। माशाल्लाह एलोवेरा ने दिल खुश कर दिया मेरा। और ये सब पौधों में इस वजह से भी इतना ख़ास है क्योंकि इसको पानी बहुत कम मिलता है, इतनी अच्छी ग्रोथ इसलिए कि एलोवेरा पानी बहुत कम मांगता है और खाना ज़्यादा मांगता है। देखें इसकी मिट्टी हरी पड़ गई है, इसकी वजह से ग्रोथ नहीं है, और मिट्टी कड़क थी इसकी। ऊपर की सफाई, डंडी पे थोड़ी मिट्टी छोड़ेंगे और ऐसे लगा देंगे वापसी। एक एलोवेरा का इसमें भी लगा दिया पत्ता, क्या पता चल पड़े क्या पता नहीं चल पड़े। इसका भी दबा के रख रहा हूँ क्योंकि दबाने चाहिए नहीं वैसे, लेकिन मैंने फिर भी दबा दिया है। ये माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ होने शुरू हो गई है। ये देखें इसकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ग्रोथ मिली है मुझे। ये इसका शक लग रहा था कि ये चल नहीं रहा, लेकिन बहुत अच्छा चला है ये। अब मुझे ना इस पर दिल बड़ा ख़राब हुआ था इस वाले पौधे पे, कि माशाल्लाह से इसने जो ग्रोथ दिखाना शुरू करी है ना, ये वो है क्या बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट वाला ये पौधा है, थोड़ा इसको गिफ्ट देंगे, थोड़ा सा गिफ्ट देंगे इसको, ग्रोथ अच्छी हुई है तो उसको गिफ्ट देना बनता है।
और थोड़ी नई मिट्टी भी, न्यू फर्नीचर इसको मिल गया माशाल्लाह, बहुत अच्छी ग्रोथ थी, तो मैंने इसको बहुत अच्छा गिफ्ट भी दिया। अब मूल इसकी देखते हैं इसकी कहाँ तक पहुँची है कंडीशन। मेरे फेवरेट पौधा है नोनी का, बहुत अच्छा चलता है ये। मैंने अपने वाले साहब की कवर पे भी ये वाले पौधे बहुत ज़्यादा लगाए। जड़ बहुत कम है इसकी, उसको उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी तो उसको गिफ्ट मिला है खाद का। जिसकी ग्रोथ अच्छी होती है ना उसको खाद नहीं दी जाती, क्योंकि गिफ्ट के तौर पे मैंने उसे कैक्टस को दी थी खाद। अब ये लगाएंगे नोनी जड़ के जड़ समेत। वैसे तो नोनी बहुत अच्छा है क्योंकि जड़ भी नहीं होगी तो फिर भी लग जाता है ये, लेकिन मेरे पास ना कबूतरों ने मुझे तंग करा हुआ था इस गली में। अब उनका इलाज करा है मैंने थोड़ा बहुत, ये उनको मैंने हटा दिया यहाँ से, दूसरी गली में शिफ्ट कर दिया मैंने अपनी, जो पैड लवर वाले देख सकते हैं। ऐसा करता हूँ मैं वीडियो पॉज करता हूँ सबको करके फिर मिलता हूँ। ये देख सकते हैं सारे पौधे सही कर दिए मुझे ये वहाँ तक, और न्यू लुक है। एक बड़ा गमला इधर, छोटा बाकी सारी बोतलें गिलास, फिर यहाँ से गमले स्टार्ट करे मैंने, और एक बड़ा गमला इधर पीछे, वो बाल्टियों में जो मिट्टी बची थी वो, और एक थैली में जिसमें वो चलती है मतलब बीज फोड़े जाते हैं, मतलब बोले जाए तो आसान अल्फाज में बोलें तो बीज को खिलाया जाता है, मतलब ये बीज बीज से पौधा बनाया जाता है उस थैली में। पहले नीली थी आज लाल कर दी है। ये बाजे वाला पौधा है, ये देखें पौधा फूल इसका, ब्लू फूल होता है इसका, बड़ा फूल होता है बाजे की तरह, पूरा बाजा बना हुआ होता है। बाकी ये भी अच्छा होता है यार, सबके अंदर ग्रोथ अच्छी है माशाल्लाह से। मेरा मेरे पास अभी दो, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं थी ठीक है, इसकी जड़ों में मसला था तो वो साफ किया जड़ मैंने, और इसकी मैं ये करूँगा कि इधर से एक कलम काट दूँगा, यहाँ से दो शाखें बनाऊँगा ठीक है। बाकी सफाई कर देनी है सबकी, जो जहाँ जहाँ से टूट गया था ये ख़त्म हो गया था मतलब सूख गया है, तो वो पत्ते निकाल के फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। भाई इसमें से ये पीले पीले फूल वाली बेल ख़त्म हो गई थी, ये आज मिली नहीं वरना ये भी लानी थी मुझे, बाकी ये वाली बेल मिल गई ये मैंने लेकर आ गया। बाकी ये पौधा वो है जो पहले जल गया था मेरे पास, वही पौधा है वापसी लेकर आ गया था मैं। और आज जो दो कैक्टस नए लगाए, एक ये है कैक्टस स्केल कैक्टस ये, या फिर लाठी कैक्टस ऐसे कुछ नाम था, मैं भूल गया कैक्टस का नाम नहीं। बाकी ये देखें सारे वो हैं पुराने, और एक कैक्टस और लगाया कहीं, ये वाला ये छोटा वाला कैक्टस लगाया, बड़ा लगा हुआ था बड़े के साथ छोटा लगा था, इसी फैमिली का मिल गया था। तो बाकी ये इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक से दो हो जाएं तो फिर और मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये है ड्रैगन फ्रूट वाला कैक्टस। बाकी ये बेल है लाल फूल वाली, ये कटहल का था ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी मैंने इस आस में लगा दिया कि क्या पता ये चल पड़े, क्योंकि डंडी हरी है इसकी। बाकी इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, पीले पत्ते भी झाड़ देगा, नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं, एक ये रहा बाकी ये रहा कुछ। बाकी इसकी ग्रोथ नहीं है, इसकी भी ग्रोथ में इंशाल्लाह हो जाएगी आने वाले वक्तों में। इधर ये खजूर का लगा दिया, खजूर की निकल गई थी, मैंने उसको चेंज कर रहा था मैं मिट्टी को, मैंने लगा इधर लगा दूँ खजूर की, देखते हैं चलती है कि नहीं ठीक है। चले मैं छत पे जाऊंगा, छत की वीडियो बनेगी अभी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। न्यू लुक आप लोग कैसा लगा ये भी बता दिएगा ज़रूर ठीक है। अल्लाह हाफिज़।